हेलो फ्रेंड्स, टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बेनिफिशियरी ऐड कैसे करते हैं। अगर आप पैसे SBI टू SBI ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप विद इन SBI में बेनिफिशियरी ऐड कर लें, और अगर SBI टू अदर बैंक करना चाहते हैं तो आउटसाइड SBI चूज कर लें। तो मैं बेनिफिशियरी ऐड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि IMPS, RTGS और NEFT में क्या अंतर है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, जो कि 24 आवर सर्विस अवेलेबल रहती है। उसमें आप मैक्सिमम 2 लाख तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ये दो तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, एक पर्सन टू पर्सन और एक पर्सन टू पर्सन में आपको बेनिफिशियरी का MMID मोबाइल नंबर और नाम चाहिए होता है, और वही पर्सन टू अकाउंट में आपको सिमिलर NEFT और RTGS जैसा बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर और IFC कोड। RTGS एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जिसकी मिनिमम ट्रांजेक्शन 2 लाख की होनी जरूरी है और मैक्सिमम 10 लाख तक हो सकती है। और वही अगर NEFT की बात करें तो ये एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसमें सिर्फ ट्रांसफ़र अमाउंट लिमिट का अंतर है, नहीं तो सारा सेम है। इसमें सबसे अच्छा है NEFT ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं है। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड डाल के अपने प्रोफाइल में चले जाएं, और ये जो तीसरे नंबर पे मैनेज बेनिफिशियरी दिख रही है इस पर क्लिक कर लें, और अपना बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर सही फिल कर लें, और वही अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म अकाउंट नंबर में सेम टू सेम डाल लें उसको कंफर्म करने के लिए। और उसके बाद आपका बेनिफिशियरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ फिल कर लें, और उसके बाद आप एक कोई भी इंटर ट्रांसफ़र लिमिट सेट कर लें कि आप कितने पैसे उस बेनिफिशियरी को सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद आप IFC कोड चूज करके IFC कोड यहाँ पर डाल दें, या फिर आप लोकेशन के थ्रू भी IFC कोड प्राप्त कर सकते हैं। मुझे IFC कोड पहले से मालूम है, तो मैं PUNB 1399 डाल के अपना IFC कोड डाल लेता हूँ और सारा टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ऐसा सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद उसे अप्रूव करने के लिए आपको अप्रूव बेनिफिशियरी में जाना पड़ेगा। आप दो तरह से अप्रूव कर सकते हैं, ATM के थ्रू और OTP के थ्रू। मैं OTP चूज कर लेता हूँ, और जिस अकाउंट को मुझे बेनिफिशियरी अप्रूव करना उस अकाउंट को भी चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली अपने मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसे इंटर कर देता हूँ और इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही एक सक्सेसफुली मैसेज डिस्प्ले होने लगेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि हो गई है और ये अप्रूव बैंक के द्वारा भी ये 4 आवर में एक्टिव हो जाएगी। आफ्टर एक्टिवेशन आप इसमें मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।